कह रही हैं कि डॉक्टर साहिब है कि हमारा मान सम्मान वापस कर दो, तो आपका मान सम्मान कहाँ खो गया, किसने खोया है? हमारा मान सम्मान प्रधानमंत्री और योगी जी ने मिलकर खोया है। हमारे मुखिया जो हमारे पूर्वांचल के हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर हमारा मान सम्मान लूट लिया है। हम शिक्षा मित्र के पद पर से सामाजिक होकर शिक्षक बन चुके थे और फिर वापस हमें 40,000 से पीछे करके शिक्षा मित्र बना के हमें 10,000 का वादे देने का उन्होंने घोषणा किया, वो भी 11 महीने का, मात्र 11 महीने का वेतन मानदेय देने का घोषणा किया है। जहां हम 40,000 वेतन पाते थे, वहां हम 10,000 वेतन पाने के लिए उन्होंने हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप 10,000 का वेतन लेके 11 महीना काम कीजिए। तो क्या ये हमारा मान सम्मान खोया नहीं है? क्या ये मान सम्मान हमारा वापस है? हमें हमारा मान सम्मान चाहिए। आज हम जीवितिया का व्रत है, हम देवरिया जिला से, हम जीवितिया का व्रत है, बिना जल बिना पानी बिना अन्न का, और यहाँ हम आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें हमारा मान सम्मान वापस चाहिए, वरना हम इस धरती को छोड़ कर जाएंगे नहीं, भले हमारी लाश यहाँ से जाएगी। एक तरफ कहते हैं कि लड़की बचाओ लड़की, लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज बेटी रोड पर है, आज बेटी रोड पे है, ये नारा झूठा देते हैं ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री झूठे हैं। इन्हें के नज़र में बेटी और माताओं का कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ये निसंतानी है, इनके बाल बच्चे नहीं है, इनकी बीवी नहीं है, तो ये क्या बीवी और बच्चों का दुख समझेंगे और बेटियों का दुख समझेंगे कि बेटी क्या होती है और बच्चे क्या होते हैं और माँ बहन क्या होती है? तो ये क्या बचाएंगे? हर जगह बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों का शोषण हो रहा है, क्या ये अच्छा हो रहा है? ये पढ़ाएंगे? हमें अगर पढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें रोड पे क्यों ला कर सुलाए हैं? हम रोड पे आके सो रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां सारे रोड पे सोए हैं, किस लिए? पढ़ लिख के हम लोग सोए हैं। ये डॉक्टर अर्चना सुना, ये PhD की हैं, हम भी BA BTC टेट क्वालिफाइड हैं, फिर भी हम रोड पे सो रहे हैं और हमें अयोग्य क्यों बताया जा रहा है? क्या हम अयोग्य हैं? अगर हम 40,000 पे नौकरी करेंगे तो हम अयोग्य रहेंगे और 10,000 पाएंगे तो हम योग्य हो जाएंगे? कहाँ का ये नीति है भैया? ये तो हमें बताएं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, अगर ऐसा है तो आप हमें बताएं कि हम कहाँ से गलत हैं और कहाँ से अयोग्य हैं और कहाँ से योग्य हैं। 40,000 पाएंगे तो योग्य नहीं रहेंगे और 10,000 पाएंगे तो योग्य हो जाएंगे? इससे बढ़िया हमें गोली मार दीजिए, यहीं पे मार दीजिए, हम यहीं पे अपनी लाश बिछा कर चले जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, मान सम्मान लेके जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं जाएंगे। बस धन्यवाद।